हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, इस बारे में हमने उनसे बात की, आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जन स्वाभिमान यात्रा निकालने के पीछे क्या मकसद है? साफ मकसद है, जो मायावती जी ने पूरे प्रदेश में अकूत धन संपत्ति एकत्र की है, अगर हम जीते तो पूरी संपत्ति की हम जांच कराएंगे, और ये केंद्र सरकार का मामला नहीं होगा, राज्य सरकार तुरंत जांच कराएगी, अगर वो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। भ्रष्टाचार हमारे देश का एक बहुत अहम बड़ा मुद्दा बन चुका है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अगर आपकी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में भारत सरकार में अगर आपकी पार्टी आती है तो करप्शन को खत्म करने के लिए आपकी पार्टी के क्या प्रयास हैं? बहुत कठोर प्रयास होंगे, सकारात्मक प्रयास होंगे और शीघ्र परिणाम देने वाले प्रयास होंगे, क्योंकि जब व्यक्ति कुर्सी पर आता है तो उसमें बहुत सारी वैधानिक औपचारिकताएं पूरा करना पड़ते हैं, उन सब को पूरी करते हुए बहुत सारे लोग जेल के अंदर होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके लिए आप क्या नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जो हाथी की सूंड है वो जमीन में होगी और उसके पैर ऊपर होंगे और वो तड़फड़ा रहा होगा, ये जनता उसको करने जा रही है, क्योंकि आज पुलिस वाले लूटे जा रहे हैं, उनकी राइफलें लूटी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो दूसरी तरफ थाने के अंदर आम जनता भी सुरक्षित नहीं है, पूरा प्रदेश त्राहे त्राहे कर रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है हमारा देश, लेकिन जितनी भी सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या राज्य सरकार में हो, उन सरकारों ने सिर्फ किसानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, उनका बाजी भाग उनको आज तक नहीं मिला, क्या कहेंगे इस बारे? 96,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, और इसके बाद कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो बता देती हैं कि हमारा घाटा हो गया, उसमें से 50,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष उनको दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर के करीब 150 करोड़ रुपया ये सीधे सीधे उद्योगपतियों को दिया जाता है, जबकि उतनी खाद बनाते नहीं हैं, कागज में वो फर्जी करते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो सीधे किसानों को हम सब्सिडी देने का काम करेंगे, उद्योगपतियों को सब्सिडी हम नहीं देंगे। जहाँ ये काम करेंगे उसी के साथ साथ व्यापारी हैं हमारे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, यहाँ प्रदेश में व्यापार बढ़े, उद्योग भी लगे, लेकिन कृषि की जो प्रधानता है इसको हम नष्ट नहीं होने देंगे। वैश्विक जो मंदी का दौर चल रहा है जिसमें आज विश्व तबाह हो रहा, भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण से आज भी बचा हुआ है। हम चाहते हैं किसान की इनकम बढ़े और कृषि प्रधान देश भी हमारा बना रहे, जो भारत की रीढ़ है। GPN7 से वार्ता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।